वेलकम यू फ्रेंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस डिजीज ऑफ बनाना सच एज पनामा विल्ट बैक्टीरियल विल्ट सीगा एंड बंची टॉप सो लेट्स गेट स्टार्टेड पनामा विल्ट इसका नाम पनामा विल्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो डिजीज है सबसे पहले चुपनामा आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में वहाँ पर यह सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था दिस इज कॉज्ड बाई फ्यूजेरियम ऑक्सिसपोरम स्पेशलिस्ट मूजी कमिंग टू सिम्टम द सिम्टम अपीयर इन ओल्डर लिव्स विच टर्न टू येलो एट द मार्जिन विच डाई टूवर्ड मिड रिप The dead leaf hang around the pseudo stem. Later, yellowing progress toward leaves. other leaves. Internal vascular bounding is visible through the stem. द स्टेम यह जो सिम्टम दिख रहा है यह है पनामा वेल्ट का तो सबसे पहले क्या होता है जो लोअर लिप है वो येलो होकर ऐसे लटक जाता है पहले जो ये लविंग होती है वो मार्जिन में होती है किनारे में उसके बाद ये अंदर की ओर मूव करता है बाद में जो अदर लीफ है वो येलो हो जाते हैं और जो प्लांट है वो मरने लगता है अगर हम इसका जो सुडो स्टेम है उसको कट करके देखेंगे तो हमें जो उसका वोस्कुलर रीजन है इसमें ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देता है कमिंग टू इटियोलॉजी ऑफ फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटीरो माइकोटिना द माइसीलियम इज सेप्टेड ब्रांच्ड एंड लाइट पिंक इन कलर इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ कॉनिडिया मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया मैक्रोकोनिडिया आर बोर्ड सेप्ड हायर लाइन लॉन्ग एंड सेप्टेड माइक्रोकोनिडिया आर स्मॉल कर्व एंड यूनिसेरोलर कोडियो फोर द कोनेडियो फोर आर सिंपल सिलेंडर शॉर्ट एंड प्रोड्यूस्ड इन स्पोरोडोकियम व्हाट इज अ स्पोरोडोकियम इट इज अ सेक्सुअल फ्लूटिंग बॉडी यहाँ पे बहुत सारे माइसीलियम प्रेजेंट हैं इसमें कोनीडियो फोर आता है और कोनीडियो फोर से कोनिडिया बनते हैं यह मैक्रोकोनिडिया है यह माइक्रोकोनिडिया है, यह है। यहाँ पर क्लेमाडोस्पोर भी बनते हैं जो मैक्रोकोनिडिया है उसके कुछ सेल में थिकनिंग हो जाती है जिसके कारण से क्लेमाडोस्पोर्स बनते हैं कमिंग टू डिजीज साइकिल पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है सॉइल्स में क्रॉप डेवरिस में एंड इन्फेक्टेड कॉम्स में एज कोनिडिया, माइसिलियम माइक्रोस्क्लेरोसिया एंड कैमडोसपोर फिर जब अगले सीजन में बनाना लगाया जाता है तो इसके सेकेंडरी और टर्सरी रूट में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है बाद में जो फंगस है वस्कुलर टिश्यूज़ में मल्टीप्लाई होता है सिम्टम डेवलप होता है और ये कोनीडिया बनाता है फिर ये जो कोनिडिया है वो एक जगह से दूसरी जगह इरिगेशन वाटर या इंटरकल्चर ऑपरेशन या इन्फेक्टेड कॉम्स के द्वारा चले जाता है और ऐसे जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड होती है लेकिन इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल प्रेजेंट नहीं है क्योंकि जो पैथोजन है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड नहीं होता है ये सीज़न बाय सीज़न धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं coming to epidemiology it required 20 to 30 degree centigrade temperature acidic soil poorly drained heavy soil cultivation of susceptible varieties and infection by burrowing nematode coming to management we should always adopt integrated disease management practice like removal and destruction of infected plant material एप्लीकेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट लाइक सोडोमोनास फ्लोरोसेंस सॉयल ड्रेंचिंग विथ कार्बेंडाजीम प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्स बिफोर प्लांटिंग समर डिप्लोइंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फॉर्म इम्प्लीमेंट अब आते हैं बैक्टीरियल विल्ट देयर इज टू टाइप ऑफ बैक्टीरियल विल्ट इन बनाना फर्स्ट इज मोकोविल्ट दैट इज़ कॉज बाई रालस्टोनिया स्टोनिया रेस रेस्टू एंड जेंथोमोनास जेन्थोमोनासफील्ड विच इज़ कॉज्ड बाई जेंथोमोनास वेसिकोला पैथोवर म्यूजोसीयरम कमिंग टू सिम्टम ऑफ मोकोविल्ट इन्फेक्टेड बनाना प्लांट प्लांट्सोज रेपिड येलोविंग एंड विल्टिंग ऑफ द लिप्स फॉलोड बाई रोटिंग ऑफ द सकर्स वस्कुलर डिस्कलरेसन ऑफ सुडोस्टेम premature fruit ripening and also less development of fruit fruit blackening and dry rot of fruit pulp bacteria ooze from the infected portion we should note here that rotting of fruit and bacterial ooze it will not be present in Fusarium wilt coming to symptom of gentomonas bacterial wilt the symptom appear as Leaf yellowing and wilting of the plant, pockets of bacterial woes in the leaf petiole, but the color of bacterial wilt is yellow or creamy, wilting of male bud bract, followed by dying of rachis coupled with bacterial exudation, premature ripening of fruits, and eventually wilting and death of the entire plant. क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्रूट सोज रस्टी ब्राउन स्टेंस इन फ्रूट पल्प तो फंगल विल्ड और बैक्टीरियल विल्ड में क्या डिफरेंस है यहाँ पर बैक्टीरियल वूज निकलते हैं और फंगल्स में ये एबसेंट होता है मोको विल्ड और जेंथोमोनास विल्ड में क्या डिफरेंस है जो मोको विल्ड है उसमें बैक्टीरियल वूज का जो कलर है वो वाइटिश रहेगा और इसमें क्रीमी या येलो कलर का होता है कमिंग टू इटियोलॉजी ऑफ प्रस्टोनिया Ralstonia is a bacteria, gram negative and rod shaped. It has only one polar flagella, that is monotrichous polar flagella. Colony Ralstonia produces pink colored colony in CPG TTC medium. This is the name of culture medium. Their colony are mucoid. You can see in this picture.

अगर हम बैक्टीरिया को प्लांट से आइसोलेट करके उसे ग्रोइंग मीडियम में कल्चर करते हैं और जब 72 टू आवर में उस ग्रोइंग मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं तो जो बैक्टीरिया है वो ऐसे दिखाई देता है इसमें जो कॉलोनी है वो सर्कुलर होता है और कॉन्वेक्स होता है अगर हम उसे साइड से देखें तो ये ऐसे उभरा हुआ होता है इसका कलर येलो कलर का होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें केमिकल प्रोड्यूस होता है जेंथोमोनेडीन जिसके कारण से यह कॉलोनी पीली कलर की होती है कमिंग टू डिजीज साइकिल पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है सॉइल्स में क्रॉप डेब्रिस में एंड इन्फेक्टेड कॉम्स में अगले सीजन में जब बनाना प्लांट लगाया जाएगा तो पहले उसमें निमेटोड का इन्फेक्शन होगा निमेटोड उसमें क्या करेंगे इंजरी करेंगे वनस करेंगे जिसके द्वारा ये जो बैक्टीरिया है वो प्लांट में एंटर करता है एंट्री करने के बाद सिम्टम डेवलप होता है और जो बैक्टीरिया हैं वो ऊंच के रूप में बाहर आते हैं और ये बैक्टीरियल वूज इंसेक्ट के द्वारा या इंटरकल्चर ऑपरेशन के टाइम या इन्फेक्टेड कॉम्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दूसरे प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं जो पनामा विल्ट है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल एबसेंट था लेकिन बैक्टीरियल विल्ट में सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल प्रेजेंट है कमिंग टू इपिडेम्योलॉजी सेचूरेटेड पोअरली ड्रेन सॉइल वार्म एंड मॉइस्ट वेदर कल्टिवेशन ऑफ ससेप्टेबल वेराइटीज इन्फेक्शन बाई मिलेडोगाइनी जो एक निमेटोड है एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कमिंग टू मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक सैनिटेशन ऑफ द फील्ड रिमूवल ऑफ क्रॉप डेब्रीज निमेटोड मैनेजमेंट

येलो सिगटो का है दिस इज कॉज्ड बाई सर्कोस्पोरा मुजी और ब्लैक सिगटो का कॉज्ड बाई सर्कोस्पोरा फिजियंसिस कमिंग टू सिम्टम ऑफ येलो सिगटो का द फर्स्ट सिम्टम कैन बी फाउंड इन थर्ड एंड फोर्थ ओपन लीफ द सिम्टम अपीयर एज टाइनी लाइट येलो स्पेक्स ऑफ वन टू टू एम एम लॉन्ग अपीयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ पैरलर टू सेकेंडरी विन्स These specks later develop into narrow brown spot with spindle shape. These lesions expand parallel to vein and form oblong rusty red streaks with water soaked center and yellow halo. Along with the leaf margin, they collage to each other, cover the larger area, and ब्लैक और ब्राउन नेक्रोटिक लीजन सराउंडेड बाई येलो एरिया ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है येलो सिगटो का इसमें येलोइंग होती है और स्पॉट के सेंटर का कलर है वो ब्राउन कलर का है और पूरे येलो एरिया से सराउंडेड है कमिंग टू सिम्टम ऑफ ब्लैक सिगटों द फर्स्ट सिम्टम ऑफ ब्लैक सिगटों डिजीज आर टाइनी क्लोरटिक स्पॉट्स दैट अपीयर ऑन बॉटम सरफेस ऑफ द लीफ जो येलो सिगेटिव का था वो अपर सरफेस में आता है और ये बॉटम सरफेस से द स्पॉट्स ग्रो इन टू थिन ब्राउन स्ट्रिक्स एंड लिमिटेड बाई लीफ विन्स द कलर ऑफ स्टिक्स बिकम डार्कर समटाइम अ पर्पल टिंज एंड विजिबल ऑन द टॉप सरफेस द लिजन्स देन इन लार्ज बिकम फ्यूजीफॉम और एलिप्टिकल इंसेप एंड फाइनली कन्वर्ट टू ब्लैक स्ट्रिक्स ये जो डिजीज़ दिख रहा है ये है ब्लैक सीगा टोका का इसमें जो येलो एरिया है वो कम आते हैं और इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है यहाँ हम येलो और ब्लैक में थोड़ा डिफ्रेंस देख लेते हैं येलो सीगा टोगा एंड ब्लैक सीगा टोका यहाँ जो अर्ली स्ट्रिक्स होते हैं वो लाइट येलो कलर के होते हैं यहाँ डार्क ब्राउन कलर के होते हैं येलो सिगारटोका फेवर्स कूलर इन्वायरमेंट ब्लैक सीगारोका फेवर्स वार्म वेदर येलो में जो इनोकुलम है वो कोनिडिया भी होता है और एस्कोस्पोर होते हैं लेकिन ब्लैक सिगाटोका में केवल और केवल एस्कोस्पोर ही होते हैं येलो सिगटोका में जो कोनिडिया है वो मैच्योर स्पॉट्स में आते हैं और थर्टी थाउजेंड कोनीडिया बनते हैं ये जो कोनिडिया है वो विंड के द्वारा डिसलोज नहीं होते हैं और जो एस्कोस्पोर हैं वो स्ट्रिक्स आने के चार वीक के बाद बनते हैं ब्लैक सीगाटोका में जो कोनिडिया है वो अर्ली स्टेज में आते हैं ओनली 1200 सौ ही बनेंगे और ये जो कोनिडिया है वाटर और विंड दोनों के द्वारा स्प्रेड होते हैं और जो मेचोर एस्कोस्पोर है वो दो वीक में ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं कमिंग टू इटियोलॉजी जो सर्कोस्पोरा है दिस इज अ हायर फंगस बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटिरो माइकोटिना द माइसीलियम्स आर सेप्टेड ब्रांच एंड ब्राउन इन कलर कोनिडिया लॉन्ग फिलीफॉम हायर लाइन एंड बल्टी सेप्टेड कोनीडियो फोर आर ऑल्सो सेप्टेड सिंपल एंड डार्क इन कलर परफेक्ट इज माइकोस्फेरिला ये जो दिख रहा है ये है कोनीडियोफोर और ये है कोनीडिया इसके जो कॉनिडिया होते हैं वो सेप्टेट होते हैं और फिली फॉर्म होते हैं मतलब इनका जो थिकनेस है कम होता है और लेंथ ज़्यादा होता है कमिंग टू डिजीज साइकिल पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है क्रॉप डेब्रिस में और सॉइल में एज अ कोनीडिया एंड पेरीथीसिया बाद में इन्फेक्शन होगा लीफ में और ये इंटर कैसे करते हैं स्टोमेटा के थ्रू जो फंगस है अंदर मल्टीप्लाई होता है प्लांट के सिम्टम डेवलप होता है और ये फिर से कोनीडिया बनाता है और एस्कोस्पोर बनाता है ये जो कोनीडिया और एस्कोस्पोर हैं वो विंड के द्वारा या इरिगेशन वाटर के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं कमिंग टू इपिडम्योलॉजी हाई ह्यूमिडिटी हैवी ड्यू रेनी वेदर टेम्परेचर एबव ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड प्रोलॉन्ग लीफ वेटनेस पीरियड poor drainage and low fertility of soil closer planting and susceptible cultivar coming to management we should always adopt integrated disease management practice like removal and destruction of infected leaves removal of weed host avoid planting at closer spacing provide proper drainage spray थ्री टाइम विथ कार्बेंडाजिम जीरो पॉइंट वन परसेंट और प्रोपिकोनाजोल और मेनकोजेप जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट एट टेन टू फिफ्टीन डेज इंटरवल कमिंग टू बंची टॉप यह जो पिक्चर है ये बंची टॉप का सिम्टम है दिस इज कॉज्ड बाई बनाना बंचीटॉप वायरस कमिंग टू सिम्टम इनिशली डार्क ग्रीन स्ट्रिक्स अपीयर इन विन्स ऑफ lower portion of midrib and petioles marginal chlorosis and curling of leaves size of leaf lamina and leaf petiole drastically reduced and they emerge from the top portion which gives a bunchy look severely infected banana plant do not produce fruits but if the fruit is produced banana fingers likely to be distorted and twisted इस डिज़ीज़ में क्या होता है पहले तो डार्क ग्रीन कलर के स्टिक्स आते हैं उसके बाद येलोविंग होती है और ये जो साइज है लीफ लेमिना का और लिप पेटियोल का वो कम हो जाता है बहुत कम हो जाता है और ये जो टॉप पोर्शन से एक ही जगह से इमर्ज होते हैं इसीलिए ये बूसी अपीयरेंस दिखाई देता है और इसका नाम पड़ता है बंची टॉप कमिंग टू इटियोलॉजी जो वायरस है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और ये मल्टीपार्टाइट होते हैं मतलब जो इसका जीनोम है वो छह पार्ट में डिवाइडेड रहता है अभी तक जो जो हम वायरस देखे हैं उसमें जो जीनोम है वो सिंगल होता था मोनोपार्टाइट और जो सिंगल जीनोम था उसी से ही सभी प्रोटीन बनते थे लेकिन इस वायरस का जो जीनोम है वो मल्टीपार्टाइट होता है टोटल सिक्स पार्ट होते हैं और ये सभी मिल के इन्फेक्शन करते हैं इसका जो प्रोटीन कैप्सिड होता है वो स्फेरिकल होता है इसे आइकोसा हेडल कहते हैं और जो ये पार्टिकल का साइज है वो ट्वेंटी नैनोमीटर का होता है इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एफिड से होता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। कमिंग टू डिजीज साइकिल इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई इन्फेक्टेड सकर्स एंड बनाना एफिड मिनिमम फीडिंग इज फाइव टू एटीन आवर और इन्फेक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ मतलब जो एफिड है उसे इन्फेक्टेड होस्ट में कम से कम पाँच से अट्ठारह घंटे तक फीड करना है तब तक के जो वायरस है प्लांट बॉडी से इंसेक्ट बॉडी में इंटर करेगा एक बार जब वायरस इंसेक्ट बॉडी में इंटर कर जाता है उसके बाद जो इंसेक्ट है वो लाइफ टाइम तक वायरस को स्प्रेड करता है वायरस कहाँ सर्वाइव करता है इन्फेक्टेड कॉम्स में और सकरस में तो फार्मर क्या करेगा एक इन्फेक्टेड सकर्स को ले आएगा जिसमें पहले से वायरस प्रेजेंट है और इसको अपने फील्ड में लगा देगा इसके बाद क्या होगा जो नॉन वायरोलीफेरस इंसेक्ट हैं जिसमें अभी वायरस प्रेजेंट नहीं है वो इसे फीड करेगा और वायरोलीफेरस बन जाता है अब ये इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट में जाएगा और वहाँ फीड करेगा और वायरस को स्प्रेड करेगा जो वायरस है अंदर मल्टीप्लाई होगा सिम्टम डेवलप होगा अब जो पहले केवल एक ही इन्फेक्टेड होस्ट थे पूरे फील्ड में अब वैसे ही बहुत सारे हो गए अब इनमें दूसरे इंसेक्ट आएंगे वो फीड करेंगे और वो भी वायरली फेरस हो जाएंगे इस तरह से जो वायरस है वो पूरे फील्ड में फैलता है कमिंग टू इपिडिम्योलॉजी प्रेजेंस ऑफ एफिड एंड डेंस क्रॉपिंग कमिंग टू मैनेजमेंट वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक यूज ऑफ वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल रिमूवल एंड रोगिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट मेंटेन क्लीन एंड वीड फ्री फील्ड द प्लांट शुड बी इंजेक्टेड विथ फोर एम एल ऑफ़ फरनोक्जोन फॉर वैक्टर कंट्रोल वी शुड इंजेक्ट द राइजोम्स विथ मोनोक्रोटोफॉस फोर एम एल स्प्रेइंग ऑफ प्लांट विथ मोनोक्रोटोफॉस टू कंट्रोल द इंसेक्ट वैक्टर इस वीडियो के लिए इतना ही Please like and share the video and subscribe to my channel. To watch other videos, click the link.